हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नीतीश राज में गरीबों के घरों पर चल बुलडोजर। नवादा डीएम, प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के राशि से बने घरों पर चलवा दिया बुलडोजर। पटना, नवादा से नसीम रब्बानी के साथ सनोवा खान की रिपोर्ट। रजौली अंचल के हरदिया ग्राम में सरकारी जमीन पर 30 सालों से सरकारी भूमि पर मकान बनाकर रह रहे भूमिहीन ग्रामीणों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय में अतिक्रमण को लेकर याचिका दायर है, जिसकी सुनवाई 18 अक्टूबर को सुनिश्चित है, जिसमें जिला पदाधिकारी को नवादा को उपस्थित होना है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन और जेल जाने के डर से नवादा की जिला पदाधिकारी उदिता सिंह, हरदिया पंचायत के 100 से अधिक ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के तहत बने मकानों को भी तोड़ रही हैं। आपको बता दें कि रजौली अंचल के हरदिया पंचायत में रहने वाले सैकड़ों ग्रामीणों पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत अतिक्रमण वाद चल रहा है। वहीं दूसरी ओर उन सभी ग्रामीणों को इंदिरा आवास योजना के तहत सभी ग्रामीणों को 1,35,000 रुपया घर बनाने के लिए दिया गया। आज वही प्रशासन उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है, जिनके मकान का ईंट, बालू और सीमेंट सरकारी पैसे से बनी हुई है। जिला परिषद सदस्य नवादा मेवालाल राजवंशी ने कहा कि एक ओर जहां सरकार गरीब एवं आवासहीन लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत पुनर्वास का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी पैसे से निर्मित गरीबों को आवास पर बुलडोजर चलवा रही है सरकार। बबलू ने बताया, इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री बिहार को त्राहिमाम पत्र भेजा है, जिसको मुख्यमंत्री सचिवालय ने जिला पदाधिकारी नवादा को अग्रसारित कर दिया है। राजेश सिन्हा, प्रदेश मीडिया प्रभारी, आम आदमी पार्टी। आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया है, हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? टीचर भी छूट गया, मेरा क्लास भी छूट गया है। मेरा इच्छा था कि हम मैट्रिक तक पढ़े, वैसे मेरा इच्छा था। हाँ,